तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी का पढ़ चुके थे, अब मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो ये सारी बैटरी एक समान है, सबका ईएमएफ ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है, ऐसी एन बैटरियां हैं। ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये एक पंक्ति में एन बैटरियां हैं और ऐसे कुल एम पंक्तियां हैं और सारी बैटरियां एक समान हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो सबसे पहले देखना ये सारी की सारी क्योंकि श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम सीख चुके हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये हो गया एन ई एन आर, क्योंकि सब जुड़ता है ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, तो ऐसे ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन बार जुड़ेगा और ऐसे यार फिर अगली पंक्ति का भी एन ई एन आर होगा, अगली पंक्ति का भी एन ई एन आर होगा, ऐसे कुल एम पंक्तियाँ हैं एन ई एन आर, और ये यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर कुल बैटरी की बात करोगे तो कुल बैटरी कितनी है बेटा, कुल बैटरी है एम इंटू एन, क्योंकि एक पंक्ति में तो एन बैटरियाँ, टोटल कितनी पंक्तियाँ ये एम पंक्तियाँ हैं। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम सोल्व करें, तो जैसे ही हो जाएगा बेटा ये पैरेलल से सोल्व करेंगे तो ये होगा एन ई और ये होगा एन आर बाय एम। तो मैं फॉर्मूला वगैरह सब सिखा चुका हूँ तो यूज़ कर लो, तो ये आ जाएगा बेटा ये आर। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन की ये इक्विवेलेंट बैटरी बनी। अब ये जो प्रतिरोध आर है, इसमें स्पेशल कंडीशन होती है, प्रतिरोध आर यानी बाह्य जो प्रतिरोध है में अधिकतम धारा के लिए, बेटा जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है कॉम्बिनेशन का, ये किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध के बराबर। अगर ऐसा होगा तो इस परिपथ में धारा अधिकतम बहेगी। तो चलो अभी आप इसके ऊपर थोड़े से कॉम्बिनेशन के ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 10 ओम 5 ओम 15 ओम 10 वोल्ट 2 ओम 5 वोल्ट 1 ओम और 6 वोल्ट 2 ओम। अब हमें इस परिपथ में धारा निकालनी है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, हमें इस परिपथ में धारा निकालनी है। तो अगर हमें इस परिपथ में धारा निकालनी तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बैटरी है उससे मान लो मैंने धारा ऐसे प्रवाहित कर दी। अब जैसा कि साफ साफ दिख रहा है ये जो परिपथ दिया हुआ है ये श्रेणी क्रम है, इसमें अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं सारी बैटरियाँ एक साथ ला के रख देता हूँ, क्योंकि बैटरी को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सारे प्रतिरोध एक साथ ला के रख दिए हैं।
चेक करना। सबसे पहले बात करता हूँ, ये 10 वोल्ट वाली, ये 5 वोल्ट वाली और ये 6 वोल्ट वाली। तो जैसे मैं यहाँ पे जो जैसे घुमाओ जो मेरे सामने आया, देखना यहाँ पे समझना, मैं 10 वोल्ट से आगे बढ़ा तो 5 वोल्ट का पॉजिटिव सामने आया, तो मैंने 10 वोल्ट से आगे बढ़ा तो 5 वोल्ट का पॉजिटिव सामने आ गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ा तो 6 वोल्ट का पॉजिटिव सामने आ गया, तो 6 वोल्ट का पॉजिटिव सामने आ गया। इस तरह से मैंने तीनों बैटरियों को एक साथ लगा लिया और इनका आंतरिक प्रतिरोध 10 वोल्ट वाली का है 2 ओम, 5 वोल्ट वाली का है 1 ओम और 6 वोल्ट वाली का है 2 ओम, और ये आ गया 5, 15 और 10। तो अब ध्यान से देखना बेटा, तो मैं समझा चुका हूँ इन दोनों बैटरी की ध्रुवता एक जैसी है, क्योंकि इन दोनों का पॉजिटिव, जैसे इससे अगर करंट जाएगा तो ये करंट को इधर बहाती और ये करंट को इधर बहाती, तो दोनों का पॉजिटिव एक तरफ है, तो इन दोनों की ध्रुवता एक जैसी है, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे और इसकी ध्रुवता उल्टी है। तो चेक करना, 10 ये 6 और 5 11, इसमें 10 घटा दूँ तो इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी, क्योंकि ये बैटरी बड़ी है तो इसकी चलेगी, 10 6 और 5 11 हो गया बेटा, तो 11 वोल्ट है और कितना प्रतिरोध है 3 ओम, और ये कितना है 10 वोल्ट 2 ओम, तो ये बैटरी बड़ी है तो इसकी चलेगी, यानी अब यहाँ पे इक्विवेलेंट बनाऊँ तो ये बनेगा बेटा, मतलब ये हो गया 1 वोल्ट और 2 2 4 और 1 5 5 ओम 30 ओम। अब धारा निकालना बहुत आसान है, तो इसमें अगर धारा निकालो तो आई का मान कितना आ गया बेटा, आई का मान आ गया 1/30 और 5/35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं बैटरी वाले क्वेश्चन। जैसे मान लो दिया हुआ है 10 वोल्ट 1 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 20 वोल्ट 2 ओम, ये ए और ये बी, ये दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना है, ये निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने इसको, इस न्यूमेरिकल को करने के दो मेथड हो सकते हैं, पर अभी क्योंकि मैं बैटरी कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो बैटरी कॉम्बिनेशन से बात करूँगा। सबसे पहले इस परिपथ को दोबारा बनाता हूँ, चेक करना है परिपथ कुछ ऐसा बनेगा, बीस वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 1, 10 वोल्ट 1 और ये है ए और ये है बी। तो अब यहाँ पे इस परिपथ में धारा बहेगी, इस तरह से। तो अब यहाँ पे या तो किरचॉफ लॉ से सोल्व करूँ, या हमारा जो जीरो वाला मेथड है उससे भी सोल्व कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इसको, जो हमारा जीरो वाला मेथड है उससे भी सोल्व कर सकता हूँ और बैटरी कॉम्बिनेशन से सोल्व कर सकता हूँ। दो एक बार दोनों से सोल्व करके दिखाता हूँ, जीरो मान कर बैटरी कॉम्बिनेशन से। पहले बैटरी कॉम्बिनेशन से बात करता हूँ बेटा, बैटरी कॉम्बिनेशन ये तीनों बैटरियाँ किस में बनी हुई हैं, पैरेलल में बनी हुई हैं। तो एक तरह से यहाँ पर अगर मैं इक्विवेलेंट बैटरी बनाऊँगा तो यहाँ पर ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आएगा, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ रहा ए और बी के बीच में। यहाँ पे अगर ए और बी के बीच में प्रतिरोध जुड़ता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ रहा है
क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ रहा है, तो यहाँ पे अब ये किसी बैटरी से अगर धारा नहीं बहती, इनकी हमने एक इक्विवेलेंट बैटरी बना दी और इस बैटरी से कोई धारा नहीं बहेगी, तो अगर किसी बैटरी से इक्विवेलेंट धारा नहीं बहती तो उसमें उसके सिरों पर विभवांतर यानी वी ए माइनस वी बी का मान ई इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा बेटा। अगर यहाँ पे धारा नहीं बहती तो इसमें वी ए माइनस वी बी का मान ई इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो चेक करना बेटा, ऊपर तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया, ये 20 हो गया, दो एलसीएम ले लो बेटा, तो 20 और 10 30 और ऊपर तो आ गया 50 और नीचे आ गया 2, 2, 4, 1, 5, 10 आ गया बेटा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो पूछा हुआ है इसका मान कितना आ गया, 10 वोल्ट। अभी हमने इसको किया है किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से। अब जैसे मैंने कहा, मैं चाहूँ तो जो हमारा दूसरा मेथड है उसके यूज़ से भी इसको कर सकता हूँ, हालांकि मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी समझाना था। चेक करना चाहो तो ये बनेगा, जैसे मैंने बोला सपोज ये है 0, ये x बोल दूं, ये है 10, तो यहाँ जाऊँगा तो -10, यहाँ जाऊँगा तो -5 और यहाँ जाऊँगा तो -20। अब इसमें बहने वाली धारा I1 बोल दूं, इसमें बहने वाली धारा I2 बोल दूं, इसमें बहने वाली धारा I3 बोल दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको एक जंक्शन मान लूँ, तो संधि के नियम जंक्शन लॉ के अनुसार इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो क्या लिखूँगा, I1 का मान 0 माइनस -20/2 प्लस, सॉरी बेटा ये x मान है ना, तो ये होगा x-20, x-5 और x-10, क्योंकि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो घटेगा, तो अगर यहाँ पे 0 मानता तो लिखता, लेकिन यहाँ पे x माना है तो x में से 20 घटा दूँ, तो ये हुआ सबसे बड़ा x को ही मानूंगा मैं, x-20 -0/2 प्लस x-5 -0/1 प्लस x-10 -0/10। तो x का मान आ जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी x का मान आ जाएगा। खैर अभी यहाँ पे चलो थोड़े से और न्यूमेरिकल करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी पे। जैसे मान लो अभी जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, दस वोल्ट 1 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 20 वोल्ट 2 ओम और अब ये भार 10 ओम का प्रतिरोध है। अब अगर बात करूं, ये है ए, ये है बी, तो अब पूछ रहा हूँ वी ए माइनस वी बी कितना होगा, थोड़ा सुनना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, परिपथ बदल चुका है, जैसे सपोज करो जो मैं बोल रहा था यहाँ से धारा आई जाती है तो धारा यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी, तो एक तरीका तो वही है x मान x और 0 मान के। दूसरा तरीका अभी जो तुमने समझा था, यहाँ पे इन तीनों के इक्विवेलेंट बैटरी बना लूँ, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट और यहाँ पे ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 10। अब इससे धारा आई जाएगी, अभी हम पहले बात कर चुके जब बैटरी पड़ी थी कि अगर किसी बैटरी के धन सिरे से धारा भाग जाती है
अगर किसी बैटरी के धन सिरे से धारा बहा जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर, ये ए है ये बी है, तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है क्या ये इस बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो ये टर्मिनल वोल्टेज। अब चेक करना E का मान तुम निकाल चुके हो 10, अभी तुमने निकाला E इक्वलेंट का मान 10 निकाला है। अब यहाँ पे R इक्वलेंट की बात करता हूँ, तो R इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट 1/1 + 1/1 + 1/2 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो बेटा ये ऊपर तो आ गया 5/2, तो R इक्वलेंट का मान 2/5। तो सबसे पहले इस परिपथ में अगर धारा निकालूं तो परिपथ में धारा आएगा बेटा E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R। तो I का मान, E इक्वलेंट का मान 10, R इक्वलेंट 2/5 + 10। तो सोल्व करोगे तो 50 5 ऊपर चला गया 50 अपॉन 52। तो अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दूँ बेटा, इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो V इज इक्वल टू E का मान 10 माइनस I का मान 50 अपॉन 52 × R, R की वैल्यू 2/5। तो ये आ गया इसके सिरों पर विभवांतर यानी टर्मिनल वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, फॉर्मूले का यूज़ करना होता है और आंसर सोल्व करना होता है। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लो ये मैंने दिया हुआ है E1 R1 E2 R2 और R, या दोनों का E ले लेता हूँ, चलो ये दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि R2 का मान R1 से बड़ा है, यानी इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध इस बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी एक बैटरी के सिरों पर विभवांतर शून्य है तो R R1 R2 में संबंध ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझना क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है साफ साफ दिख रहा है कि दोनों बैटरियाँ एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं। तो अगर इस परिपथ में बहने वाली धारा लिखूँ तो I का मान कुल 2E अपॉन कुल प्रतिरोध R प्लस R1 प्लस R2। अब चेक करना बेटा, इस बैटरी के भी धन से धारा बाहर निकल दिए और इस बैटरी के भी धन से धारा बाहर निकल दिए। तो अगर किसी भी बैटरी के धन सिरे से धारा बाहर निकलती है, ये इक्वलेंट बैटरी बना के कर सकता हूँ आराम से। तो अगर किसी भी बैटरी के धन सिरे से धारा बाहर निकलती है तो उस केस में क्या होता है, इसके सिरों पर विभवांतर होता है E माइनस आई आर। इसके लिए अगर मैं लिखता हूँ तो ये आएगा इसके सिरों पर विभवांतर E माइनस I इंटू आर वन, और इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए आएगा ये V1 बोल देता हूँ E माइनस I आर टू। तो चेक करना, यहाँ पे दोनों के लिए E समान है, दोनों में धारा समान है। अब क्योंकि R2 का मान R1 से बड़ा है और R2 का मान R1 से बड़ा, तो यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो कम है। तो अगर जीरो होगा तो ये जीरो होगा। इसने हमें बताया नहीं है कौन सी बैटरी, इसने सिर्फ ये बोला है किसी एक बैटरी के सिरों पर
जिसने हमें बैटरी नहीं बताया, सिर्फ इतना सा बोला है कि किसी एक बैटरी के सिरों पर यदि विभवांतर जीरो है तो संबंध निकालना है। तो हो सकता है इस बैटरी के सिरों पर जीरो हो सकता है इस बैटरी के सिरों पर जीरो हो। तो यहाँ पे अगर इसके सिरों पर जीरो होगा तो ये जीरो होना चाहिए और इसके बैटरी के सिरों पर जीरो होगा तो ये जीरो होना चाहिए। लेकिन R1 और R2 में बड़ा R2 है और क्योंकि R2 बड़ा है तो जीरो यही होगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो हो नहीं सकता। तो जीरो ये होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो आया ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे E माइन E इज इक्वल टू I R2 होना चाहिए। तो E इज इक्वल टू I की वैल्यू ये लिखी बेटा, 2E R2 R प्लस R1 प्लस R2। E से E गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो R R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R2। और चेक करना यहाँ पे अगर लिखूँ तो R इज इक्वल टू बेटा R2 माइनस R1। ये आ गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पे इन तीनों में ये संबंध है, यानी जो बाह्य प्रतिरोधक कैपिटल R उसकी वैल्यू R2 माइनस R1 के बराबर है, तो जो बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है उसके सिरों पर विभवांतर जीरो होगा, उसका टर्मिनल वोल्टेज जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमें तीन बैटरियाँ दी हैं, समांतर क्रम में लगी हैं। इसमें है 10 वोल्ट 2 ओम, 20 वोल्ट 1 ओम और 6 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे हमें कहा हुआ है इक्वलेंट ईएमएफ, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है इसका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है। सुनना ध्यान से, अब इसका तुल्य विद्युत वाहक बल बोलूँ या मैं ये भी बोल सकता हूँ ये बिंदु ए है ये बिंदु बी है, तो ये किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी के बराबर। तो लगभग क्वेश्चन दिखने में पहले जैसा ही लग रहा है, लेकिन एक अंतर है बेटा। यहाँ पे जो तीसरी बैटरी है, इस तीसरी बैटरी का यहाँ पे थर्ड बैटरी है, इस थर्ड बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया हुआ। इसका मतलब अगर नहीं दिया हुआ तो कौन सी बैटरी है, आदर्श। और आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, जीरो। अब समझना, ध्यान से देखना, ये लिखूंगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब बेटा अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूले में इस फॉर्म में लिख के और R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करते हो, अगर इस फॉर्म में लिख के R1 R2 और R3 की वैल्यू पुट करते हो तो तुम्हें सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जीरो डिवाइड करूँगा तो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। तो अब सुनना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, एलसीएम लेकर सोल्व करता हूँ। तो ये तो आ जाएगा E1 R2 R3 E2 R1 R3 E3 R1 R2 और नीचे आएगा R2 R3 R1 R3 और R1 R2। एलसीएम लेके सोल्व करना तो ये आएगा बेटा, चेक करना, ये हो गया मेरा E1, ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा E2, ये हो गया मेरा R2, ये हो गया मेरा E3 और ये हो गया मेरा R3। क्योंकि R3 की वैल्यू जीरो है तो जहाँ जहाँ R3 आ रहा होगा वहाँ पे जीरो से गुणा होगा, उसको जीरो कर देता हूँ। तो देखो ये जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे R3 आ रहा है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो यहाँ पे जो बचा वो बचा E3 R1 R2 अपॉन R1 R2, R1 R2 से R1 R2 गया, कितना गया E3। इसका मतलब यहाँ पे इस बैटरी का जो इक्वलेंट होगा वो किसके बराबर, E3 यानी 6 वोल्ट। तो अगर समानांतर क्रम है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो समानांतर क्रम और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी बैटरी, कोई भी एक बैटरी ऐसी है जिसका विद्युत वाहक बल, जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो है, तो उसका इक्वलेंट, उस कॉम्बिनेशन का इक्वलेंट उसी आदर्श बैटरी के बराबर होगा।
ठीक बात बेटा यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। तो बैटरी को किस प्रकार लगाया जाए कि बेटा यहाँ पे अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मिक्स कॉम्बिनेशन वाली बात कर रहा हूँ कि मिक्स कॉम्बिनेशन का यूज कि 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को जब 8 ओम वाले प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त होती है। तो सुनना बेटा यहाँ पे मिक्स कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब जो तुम्हें समझाया था ऐसे। अब ये जो तुम्हें लिखवाया था उसी का यूज़ होगा, सीधा फॉर्मूले की तरह से यूज़ होगा। मैंने बोला था जैसे मान लो मिक्स कॉम्बिनेशन है ER ऐसे बैटरियां हैं और यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध कितना जुड़ा हुआ है ये। तो सबसे पहले चेक करना कुल बैटरियां कितनी है, 100, यानी N इंटू M का मान कितना है, 100 है। और हमें पता है यदि हम चाहते हैं परिपथ में धारा अधिकतम हो तो NR अपॉन N इसका मान R के बराबर होना चाहिए। तो चेक करना NR N इंटू 2 अपॉन M बराबर 8, तो N बराबर 4M। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो 4M स्क्वायर बराबर 100, M स्क्वायर बराबर 25 और M बराबर 5। इसका मतलब यहाँ पे चेक करना N बराबर 20 आ गया। तो एक पंक्ति में जैसे ऐसे पंक्ति बनी थी ना बेटा, एक पंक्ति में कितनी बैटरियाँ होंगी 20 और ऐसे कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी 5। तो इस प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वो धारा अधिकतम होगी, इस प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वो धारा अधिकतम होगी। क्लियर बेटा?